तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग लेकर आए हैं फ्रेंड्स क्लास 8 और सीरीज में आप लोग को स्टार्ट किए हैं आज से जे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्यू मैंने स्टार्ट किया था तो क्यू पूरा समाप्त हो गया है। कुल टोटल 7 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। उसे आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज से स्टार्ट किए हैं अल्फ़ाबेट में जे। जे का फ्रेंड्स ये पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो आप लोगों को जो मिलेगा तो जे टू के नाम से मिलेगा। ठीक है, और जे थ्री जे फोर इस तरह करके आएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर जैब। ठीक है, जे ए बी। जैब का मतलब होता है फ्रेंड्स घुसाना या भौंकना। ठीक है, दोनों होता है। जैबर का मतलब होता है फ्रेंड्स बड़बड़ाना। ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं बकवास करना, अनर्थक बकवास भी कह सकते हैं, या तेज़ी से बोलना भी आप लोग कह सकते हैं। जैक का मतलब होता है फ्रेंड्स जैक। ठीक है, अब जैक क्या होता है तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो भारी बोझ हो, जमीन से ऊपर उठाता हो यंत्र, उस यंत्र को कहेंगे जैक। ओके, जैकाल का मतलब होता है फ्रेंड्स गीदड़। जैक नाइफ का मतलब होता है फोल्डिंग चाकू। फ्रेंड्स फोल्डिंग चाकू आप लोग देखे होंगे जो जेब में रखने लायक होती है और उसे मोड़ कर रखा जाता है। ठीक है, तो उसी को जैक नाइफ। जेड का मतलब होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का सख्त पत्थर। जेल का मतलब होता है कारागार या बंदी गृह होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जेलर। फ्रेंड्स जेल का मतलब तो कारागार या बंदी गृह होता है, उसी से जो कि जेलर बना हुआ है। तो जेलर्स का मतलब होगा कारागार का मालिक या बंदी गृह का मालिक। ओके, जैन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स तो जैन का मतलब होता है जैन धर्म का अनुयायी। अनुयायी क्या होता है फ्रेंड्स तो अनुयायी का मतलब होता है शिष्य, यानी कि जैन धर्म का शिष्य। ओके, चलिए यहाँ पर अगला है जैम। जैम का मतलब होता है फ्रेंड्स मुरब्बा। ओके, ये तो आप लोग खाते होंगे, आप लोग पता होगा। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स देखिए जो कि जैम बोरी। ठीक है, जैम बोरी का मतलब होता है फ्रेंड्स बाल चरों की रैली। ओके, जैम बोरी। जैम पैक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स तो जैम पैक का मतलब होता है फ्रेंड्स पूरी तौर से भरा होना। जनवरी तो आप लोगों को पता ही है, जनवरी का मतलब होता है जनवरी। जेनस, जेनस का मतलब होता है फ्रेंड्स इटली का दो मुख वाला देवता। इटली में देवता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। कुल टोटल इसमें 14 समाहित है वर्ड। ओके, इसी के साथ हम अगले वीडियो मिलते हैं जे टू को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।